Dear students, in this video we will discuss about the rules governing the filling of electron in different orbitals. यानी कि कैसे करके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, तो पहला जो रूल है हमारे पास, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से. एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट रूल. इस रूल में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पॉलीज, उन्होंने इस रूल को दिया है. और इस रूल के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नेवर हैव आइडेंटिकल सेट्स ऑफ फोर क्वांटम नंबर. मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए चार की चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू क्या होती है, सेम नहीं हो सकती. मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन की सेम हो सकती है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज होगी. जैसे 1s2 ये ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू, ये एग्जांपल मैंने लिया हुआ है बेटा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इजक्ल टू 1 होता है, तो l इजक्ल टू क्या हो जाएगा, n इजक्ल टू 1, यानी कि s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू होती है n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 0. क्लियर. m इजक्ल टू 0 क्योंकि l इजक्ल टू 0 है, तो m इजक्ल टू भी 0 हो जाएगा. अब बात क्या आती है s की वैल्यू, तो s की वैल्यू जो डिपेंड करती है बेटा, वो करती है किस पे, इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे, कि वो मूवमेंट किस तरह से कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, n इजक्ल टू 1, l इजक्ल टू 0, m इजक्ल टू 0, लेकिन s इजक्ल टू प्लस 1. क्यों, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊंगा, सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इसके बाद दूसरा नीचे आएगा. ऐसे ही फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन n इजक्ल टू 1, l इजक्ल टू 0, लेकिन m इजक्ल टू 0, लेकिन s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो m इजक्ल टू माइनस हाफ. क्लियर. तो ये रूल था किसका, पॉलीज का. इस रूल को पॉलीज ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो उनमें किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू क्या होती है, सेम नहीं होती है. इसके बाद नया रूल है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने में हेल्प करता है, दैट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. इसके इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हाइल फिलिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स, व्हाइल फिलिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल, the electron prefer to remain unpaired as far as possible, remain unpaired as far as possible and possess the same direction of spin. Same direction of spin. Pairing of electron takes place. Pairing of electron takes place
ओनली वैन ऑल द इलेक्ट्रॉन या ऑल द ऑर्बिटल सॉरी ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल आर सिंगली ऑक्युपाइड ऑक्युपाइड आर सिंगली ऑक्युपाइड यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब स्टार्ट होगी जब उसके ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा चला जाएगा। जैसे हमें पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, टू पी में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पी और पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, थ्री। कितने ऑर्बिटल होते हैं, थ्री, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। क्लियर। पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं बेटा, एक ऑर्बिटल में दो होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिक्स, जो हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, इसके बाद यहाँ से हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो। ठीक है, क्लियर, ओके। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। जैसे अगर पी में हमारे लिए सपोज कीजिएगा पी ऑर्बिटल में ही फाइव इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फाइव नहीं आप फोर लीजिएगा तो ज़्यादा ठीक, फोर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आपने थ्री ऑर्बिटल बना लिए। थ्री ऑर्बिटल बनाने के बाद आपने एक 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 इलेक्ट्रॉन पहले सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचता तब उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। अगर आप कुछ इस तरह से ये यूज कर लेते हैं, बोले एक दो तीन चार और ये वाला फ्री हो गया, तो ये आपका गलत रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है ऑफ वाहु प्रिंसिपल। ऑफ वाहु प्रिंसिपल, ऑफ वाहु प्रिंसिपल का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना हमें सिखा रहे होते हैं। ठीक है, कैसे करके अभी हम बताएंगे। तो उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा था द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू अ अवेलेबल ऑर्बिटल ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड फिल अप द ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी फर्स्ट। द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द अवेलेबल ऑर्बिटल इनटू द अवेलेबल ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज एंड फिल अप द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी एंड फिल अप द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी फर्स्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब हम कहीं फिल करते हैं ऑर्बिटल के अंदर या सबसेल के अंदर, तो सबसे पहले वहां फिल करेंगे जहां पे क्या होता है हमारे पास एनर्जी जिसकी सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं ऑफ वाहु रूल का, वो आप देख लीजिएगा। 1s 2s 3s 4s 5s सॉरी 5s 6s 7s ठीक है, फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p ठीक है, 3d 4d 5d 6d 4f 5f। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करेगा बेटा, वो कहाँ एंटर करेगा, 1s में। कहाँ एंटर करेगा, 1s में। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से घूम करके आएगा 2s में आएगा, 2s के बाद 2p 3s फिर इसके बाद 3p 4s आफ्टर दैट 3d 4p 5s इसके बाद आपका आएगा यहाँ देश देश देश। ठीक है,
अब 6s के बाद आपको सबसे पहले जो फिल करना है दैट इज 4f, 5d, 6p, 7s, और इनके बाद में लास्ट सीरीज जो बचती है हमारे पास 5f, 6d, 7p। क्लियर? तो ये आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें। और आफवाहु बेटा जो है ना, वो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, इसके ये साइंटिस्ट का वर्ड नेम नहीं है, यहाँ पे जनरल जो जर्मन लैंग्वेज होती है ना उसका एक वर्ड है आफवाहु, और जिसका मतलब होता है बिल्ड अप, है ना। वी कैन राइट हियर आफवाहु मीन्स आपका होता है बिल्ड अप। क्या होता है बेटा? बिल्ड अप। ठीक है, क्लियर।